Hello and welcome you all students. Dear students, good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, I welcome you all for GK session in the general knowledge topics. Today we discuss about important part of our body, blood. And blood transport, blood circulation, blood flow. Let's start to know some more facts about our blood. Blood is the red fluid that circulates in our blood vessels. Its main function is to act as the body's transport system. हमारी body में waste product को, oxygen को, carbon dioxide को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम transport system वाला काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। ऐसे हिंदी में रक्त भी कहते हैं और उर्दू में इसको खून कहते हैं। How well do you know about the blood running in your vein? Take up this quiz to find out. Number one, which type of blood vessels carries blood away from the heart? किस तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती हैं, यानी हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाने का काम किस तरह की ब्लड वेसल्स करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेन्स, ऑप्शन बी आर्टरीज, ऑप्शन सी कैपिलरीज। इन इट ऑप्शन बी आर्टरीज इज द राइट आंसर। आर्टरीज रेड कलर की होती हैं जिनसे ब्लड हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड। सेकंड, विच पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज मिनरल्स, विटामिन्स, सुगर एंड अदर फूड टू द बॉडी सेल? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी रेड कैप्सूल्स। एंड ऑप्शन ए प्लाज्मा इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रेड प्लेटलेट्स? हमारे ब्लड के थ्री पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कैप्सूल्स या रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। और थर्ड पार्ट होता है हमारे ब्लड का प्लेटलेट्स। तो ये रेड प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए टू क्लॉट ब्लड, टू फाइट डिजीज, ऑप्शन सी टू कैरी ऑक्सीजन टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू कैरी ऑक्सीजन टू अदर बॉडी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग can be best compared to soldiers because they fight off the body's enemy? जिसको soldiers के साथ जिस चीज का comparison किया जा सके और वो हमारी body में शत्रुओं से लड़ने के काम आता है, एक तरह से बोला जाए कि शत्रुओं से लड़ता है, यानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है, रक्षा तंत्र है एक तरह से। ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल्स, या ऑप्शन सी कैपिलरीज। एंड इट ऑप्शन बी व्हाइट ब्लड सेल्स इज द राइट आंसर। इसे हमारे शरीर का रक्षा तंत्र सोल्जर्स बोला जाता है। अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, तो ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। व्हाट नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज? ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए टू फिल्टर इंप्योरिटीज फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से इंप्योरिटीज को फिल्टर करना है क्या? ऑप्शन बी टू कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड को सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम है क्या? ऑप्शन सी टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स, ब्रेन से मसल्स को मैसेज पहुंचाने का काम है। And it also option B is the right answer, to
carry blood to all parts of the body. Question number 6. Why does blood turn dark red? हमारा blood dark red color का क्यों दिखता है? As it circulates through the body. जो हमारी body में circulate होता है जो blood, वो reddish color का क्यों दिखता है? It is start to clot. क्या clot होना start हो जाता है इस वजह से जम जाता है? या option B, it gets old and dirty. या पुराना हो जाता है, गंदा हो जाता है, flowing through the body, body में flowing करते करते इसीलिए red दिखता है. या option C, the oxygen in it is replaced with carbon dioxide. So the right answer option C. The oxygen in it is replaced by with carbon dioxide. So it looks like dark red. Question number 7. Which organ pumps blood all throughout the human body? कौन सा organ है जो blood को pump करता है, pumping system में relate करता है? Option A lungs, option B heart, option C kidney. All of you know very well about this question. The right answer goes to option B, heart. Heart हमारे blood को pump करता है. जिससे acupressure पड़ता है और arteries के द्वारा blood हमारे पूरी body में पहुंचाया जाता है. Question number 8. Which element in the blood is round and colorless? हमारी blood का कौन सा part round होता है और colorless होता है? Red blood cells, white blood cells, और third part होता है platelets. Plasma, platelets या white blood cells? And also right answer goes to option number B. Platelets is the right answer. Sorry, white blood cells. WBC, white blood cells is the right answer, option number C. That is round in shape. Next question number 9. How many liter of blood does the adult human body contain? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने लीटर ब्लड होता है? ऑप्शन ए अबाउट 5 लीटर्स, ऑप्शन बी अबाउट 10 लीटर्स, ऑप्शन सी अबाउट 15 लीटर्स. तो 4 से 5 लीटर ब्लड होता है नॉर्मली, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अबाउट 5 लीटर, लगभग 5 लीटर. क्वेश्चन नंबर 10. नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन टू सेल्स दैट नीड इट. ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन. और इसी हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेडिश कलर का होता है. Nearly half the volume of blood consists of cells, which included red blood cells, white blood cells, and platelets. The remainder is a fluid called plasma. Blood donation. चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O. जिसमें O को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है क्योंकि ये प्रत्येक ब्लड ग्रुप के किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है. और AB, ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है, सार्वत्रिक ग्राही, ये किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड रिसीव कर सकता है. तो डोनर और रिसीवर हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर में ब्लड की पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है. जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है उन्हें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है. ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं. ये आयरन एक मिनरल होता है, आयरन आयरन की कमी से होता है. तो हमें अपने खाने में प्रचुर मात्रा में आयरन युक्त चीजें खानी सेवन करनी चाहिए. ये स्पाइनेज में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, पालक में, एप्पल में, कैरेट में अधिक मात्रा में पाया जाता है. आप अधिक सेवन करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. धन्यवाद.